उपमंडल फतेहपुर के पटा जाटिया कस्बा में करीब 5 दिन पूर्व अज्ञात बीमारी से 8 भैंसें मर गईं, जिस कारण पशुपालकों को लाखों का नुकसान हो गया। पशुपालकों ने बताया कि अपनी भैंसों को पोंग जलाशय की खाली भूमि पर चराने छोड़ गए थे। करीब 4 दिन पूर्व भैंसों ने एकदम चारा चरना छोड़ दिया। पशुपालक कुछ समझ पाते, इससे पूर्व भैंसों की मौत हो गई। पशुपालकों ने बताया कि जब से बरसात में होने वाला टीकाकरण देरी से शुरू किया जाने लगा, तब से भैंसे अज्ञात बीमारी की चपेट में आ रही हैं। उन्होंने बताया कि भैंसे अब भी बीमार चल रही हैं, जिनका उपचार करवाया जा रहा है। क्या हुआ इसको, बीमार होगी? अच्छा, क्रीड हुआ है। अच्छा, तो अभी इसका इलाज चल रहा है? हाँ जी, और आपकी सुना भैंस खत्म हो गई कोई? हाँ जी, वो मेरे भाई की थी। और भाई की थी? अच्छा, वो कैसे खत्म हुई? वो भी इसी चीज़। अच्छा, यही जो गले में बीमारी चल रही है? गले में अभी सूजा हुआ है, देखो। अच्छा, ये हर साल चलती है बीमारी? हाँ जी, पिछले साल भी जहाँ 5 महीने खत्म हो गए। पिछले साल भी? हाँ, तो इसका इलाज भी हो गया। पिछले साल कोई टीम आई थी यहाँ पे देखने? देखने आए, लोग को डॉक्टर आते हैं, बस मानो टीका लगा चले जाते हैं। अच्छा, कोई इलाज नहीं किया इसका? पर पिछले साल तो शायद धमेटा में फैली थी ये बीमारी, यहाँ भी थी। क्या नाम है आपका? कृष्ण सिंह जी। कृष्ण सिंह जी, यहाँ पट्टा से रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या हुआ था, आपकी भैंसें खत्म हो गई? दो जी। कब? अभी 3 दिन हुई है। क्या हुआ था उनको? बस बीमारी से गाल घोट हुई। अच्छा, बीमारी, उसका इलाज हुआ था? कुछ डॉक्टर को बताया, कभी दिखाया? पता था, लगा मरी। अच्छा, कोई टाइम ही नहीं मिला मतलब? तो इनको क्या चरने छोड़ते थे? हाँ जी, नीचे। कहाँ पे? नर्सरी। ये फ्लड एरिया जो है, तो इससे पहले भी कहीं क्षेत्र में बीमारी फैली है? नहीं, पहले पिछले साल फैली थी, तब भी नुकसान हुआ था? तब भी नुकसान हुआ था। अच्छा, डॉक्टर को तो हमने बार बार आपने... कहा कि टीके लगाओ। अच्छा, कहते टीके आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं बस। अच्छा, इंजेक्शन आए नहीं थे? इंजेक्शन आए नहीं, लेट आए जी ना, मतलब पहले लग जाते थे बरसात में? पहले लगते थे। अच्छा, इस बार देरी से आए? अभी लगा रहे हैं, अभी लग रहे हैं। तो पिछले साल भी देरी से आए थे? पिछले साल जल्दी देरी से आए थे, मतलब माना जा सकता है कि ये इंजेक्शन लेट लगने की वजह से पशुओं की बीमारी जल्दी पकड़ रही है। तो इसके बारे में कोई टीम आई थी यहाँ पे कभी इंजेक्शन करने? पिछले साल नुकसान हुआ था, कोई टीम यहाँ पे? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आई। आपकी भी भैंस खत्म हुई है? हाँ जी, दो खत्म हुई। दो भैंसें खत्म हुई, वो भी यही बीमारी को बताया जा रहा है? अच्छा, उसके लिए समय कोई नहीं मिला डॉक्टर? कोई समय नहीं मिलता जी, शाम को पता चलता है और सुबह को खत्म हो जाती है। सुबह खत्म हो जाती है, तो कोई बीमार तो नहीं चल रही आगे? आगे बीमारी एक चल रही है जी, एक बीमार चल रही है। उसका चल रहा है इलाज? हाँ जी, चल रहा है। उसको सुधारा कुछ? हाँ, सुधार उसमें है, सुधार। उसने थोड़ा टाइम दे दिया जी, 2 दिन। आपकी? हाँ जी, हमारी भी एक भैंस खत्म, एक भैंस खत्म हो गई है यही? हाँ, इन्हीं दोनों में? हाँ जी, परसों खत्म हो गई। ये इकट्ठी जाती थी सभी? इनको एक एरिया में छोड़ते हैं? 5-6 दिन के अंदर ही हो गई ये सारी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।